छोटूश, हमें राक्षसों के बारे में बताओ ना, वो कैसे होते हैं? राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं। काश मैं भी उन राक्षसों की तरह ताकतवर होता। तुम लोग को अभी भेष बदलना होगा ताकि किसी को ये पता ना चले कि तुम राक्षस नहीं इंसान हो। मैं इस दरवाजे के बाहर खड़ा रहूंगा। अगर मुझे कोई भी संकट का आभास होता है तो मैं तुम लोगों को सावधान कर दूंगा। गणेश, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी पुस्तक है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ये मेरी मामा की बेटी है, मुंडमाला। अच्छा, इसके पैर की उंगलियां काली क्यों नहीं है? बचाओ, कोई हमारी मदद करो, बचाओ, बचाओ हमें। अरे ये तो कुटुश के चीखने की आवाज है, मतलब कोई गड़बड़ है। गणेश, तुम सरस्वती को लेकर जल्दी बाहर आओ। कार्तिक भैया ने हमें निकलने के लिए बोला है, पर इस पुस्तक का आखिरी अध्याय तो अभी बाकी है। ये शोर कैसा? सरस्वती जल्दी निकलो, अगर ज्यादा देर करेंगे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम राक्षस नहीं, इंसान हो, सही बताओ यहाँ क्यों मरने आई हो? और कौन कौन है तुम्हारे साथ, वो देखो। ताड़कासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और उसके तीन बेटे थे, अक्षासुर, धरासुर और जलासुर। उन तीनों ने 100 वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की थी और 100 साल की तपस्या के बाद उनके सामने स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान के रूप में 3 अद्भुत राजमहल दिए, अक्षासुर को आकाश में, धरासुर को धरती पर एवं जलासुर को जल के नीचे। लेकिन इन भाइयों को उन राजमहलों की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने दोबारा से 200 साल तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। आंखें खोलो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो जो मांगना है। प्रभु, आप हमें अमर होने का वरदान दीजिए। मुझे क्षमा करो, किंतु ऐसा वरदान तो मैं चाह कर भी नहीं दे सकता। सृष्टि का नियम है कि यहाँ हर जीव नश्वर है। अगर आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो हमें और कुछ नहीं चाहिए।
और आज के बाद किसी देवता की तपस्या नहीं होगी, क्योंकि जब वो अपने भक्तों की इच्छा ही पूरी नहीं कर सकते तो उनकी पूजा कौन करेगा। हाँ, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगर 3 दिन तक सूर्य अस्त नहीं हुआ और 3 दिन तक रात नहीं हुई तो तुम लोग अमर हो जाओगे। सूरज 3 दिन तक अस्त ना हो और 3 दिन तक रात ना हो, ये कैसे हो सकता है? ब्रह्मदेव हमें मूर्ख बना रहे हैं। ये तो संभव ही नहीं है। हमारी 100 साल की तपस्या व्यर्थ हो गई। अब हम क्या करें? एक रास्ता है। तुम्हें पता है कि सूर्य देव धरती पर एक रथ पर सवार होकर आते हैं। वो रथ 3 घोड़ों द्वारा चलाया जाता है। अगर हम तीनों वो तीनों घोड़े चोरी करके 3 दिनों के लिए अलग अलग जगहों पर छुप जाएं तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। रथ के ना मिलने पर सूरज अस्त भी नहीं होगा और फिर कभी रात भी नहीं होगी। हमारे पास अधिक समय नहीं है, चलो उस रथ को ढूंढते हैं। राक्षसों ने जंगल में आग लगा दी है। वो इस तरफ आ रहे हैं। वो इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ेंगे, जानवरों को भी नहीं। इन पशु पक्षियों के साथ खेल के ही तो हम बड़े हुए हैं। हमें इन्हें बचाना ही होगा। तुम सब नीचे झील के दारों भागो। पानी में कोई आग नहीं लगा सकता। तुम लोग अपने साथियों को भी ये बता दो। सब लोग इस झील से बाहर निकलो। उस राक्षस ने पानी में जहर मिला दिया है। और कोई गलती से भी एक बूंद पानी मत पीना। हमें जल्दी भागना होगा इससे पहले कि वो राक्षस झील के इस पार आ जाए। सरस्वती जली, वो शहर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। कुटुश, तुम्हारी वजह से हम लोग जंगल में पशु पक्षियों को बचा पाए, पर ये लोग। एक तरीका है, तुम सबको बोलो शिव मंदिर की तरफ जाए। जो भी उस मंदिर के अंदर होगा वो इन राक्षसों से बच जाएगा। जल्दी जाइए, जल्दी। किसी को न सही, कम से कम इस बच्चे को मैं बचा के ही रहूंगा। जब तक मेरे हाथ में ये त्रिशूल है तब तक कोई मुझे नहीं छू सकता। राक्षस वापस चले गए। अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोई आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। इतनी आसानी से? जरूर कोई बात है।
राक्षसों की माया है। इन्होंने रात को दिन में बदल दिया है। आप लोग जल्दी भाग के अपने गांव पहुंचिए। रात खत्म होने में अभी ज्यादा देर नहीं है। हम लोग तब तक इन राक्षसों को रोकने की कोशिश करेंगे। जाइए आप। लक्ष्मी उठो, सरस्वती क्या हो गया है तुम्हें? सारा आकाश छान मारा, किंतु सूर्य के रथ का कोई अता पता नहीं। कहीं ये भी कोई देवताओं की चाल तो नहीं? लगता है देवताओं ने हमारे डर से सूर्य के रथ को कहीं छुपा दिया है। नहीं भैया, उस रथ को किसी ने नहीं छुपाया है। वह रथ तो भगवान शिव के 5 वर्षीय बालक घूमने के लिए ले गए हैं। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छी सूचना दी। एक 5 वर्षीय बालक से तो रथ छीनना अत्यंत सरल काम है, लेकिन वो बालक हमें मिलेगा कहाँ? मुझे पता चला है कि वो बालक महर्षि कश्यप का शिष्य है। क्या पता हमें वो वहीं मिले। तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं। बालकों, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो यहाँ गणेश नाम के एक बालक को ढूंढ रहे हैं जो हमारा रथ चोरी करके ले गया है। अच्छा, तो वो रथ आपका था? गणेश उस रथ पर सवार अभी कुछ देर पहले ही उत्तर दिशा में गया है। यदि आप तुरंत उस ओर जाएंगे तो वो आपको अवश्य मिल जाएगा। चलो, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये दानव गणेश को कैसे मजा चखाते हैं। किंतु ये मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। अब कितनी देर लगेगी इन दानवों को गणेश को ढूंढने में? जी करता है इन घोड़ों की पूंछ काट दूं। देखो, उस दिशा में है, उधर चलो।
मैं कहाँ आ गया? मुझे वापस जाना है। मत हो सरस्वती और नीचे बिल्कुल मत देखना, मैं आ रहा हूँ। पहले कि दानव यहाँ आ जाए, हमें घोड़ा लेकर भाग जाना चाहिए। से चुपचाप निकल जाना चाहिए। तुम लोग यहाँ रुको, मैं जाकर वो घोड़ा लेकर आता हूँ। अब चलो यहाँ से। हाँ हाँ जल्दी चलो। भगवान शिव को याद करो, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, हम इन दानवों को पराजित कर सकते हैं। हाँ, आज हम इन दानवों का सफाया कर देंगे।
तुम मुझे पूरी तरह से नहीं मार सकते, क्योंकि 3 दिन समाप्त होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। 3 दिन पूरे होने वाले हैं, अब हम अमर हो जाएंगे।